सितारगंज में मिशन खुशिया के बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत न पहुंचने पर जिले के अधिकारी नीरज खोरवाल और क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा शिविर में पहुंचकर पात्र लोगों को पुरस्कार दिए। वहीं जिला अधिकारी ने बताया कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का मौसम के खराब के कारण सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सितारगंज मिशन खुशियों के बहुउद्देशीय शिविर में नहीं पहुँच पाए। कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी और एक वजह से नहीं आ पाए, दो बार हेलीकॉप्टर उतारने का प्रयास किया, नहीं उतर पाया। और जो कार्यक्रम आज यहाँ पर हुआ है, बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ है, जिसमें मेरे हिसाब से कम से कम हजारों लाभार्थियों को लाभ मिला है। और ऐसी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जिला संचालित योजनाएँ हैं, वो पूरी तरह से लागू होती रहेंगी, धरातल पर दिखाई देंगी। और यहाँ से पूरा कबड्डी जो होता है वहाँ से नहीं आ पाया, और दो बार कोशिशें करने के बाद फिर उनको देहरादून के लिए चोपर लेकर के गए। अभी यहाँ पर जो क्लैरिटी है, हमारे जो मेट्रो रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से जो आता है, इवन पंतनगर में भी विजिबिलिटी समय नहीं है, तो पंतनगर में भी इसलिए नहीं उतर पाए क्योंकि पंतनगर की विजिबिलिटी ख़राब है। यहाँ चूँकि धूप निकली हुई है, लेकिन रास्ते में जो हमारा क्रॉस करते हैं गोला नदी के ऊपर जो क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर मौसम की वजह से नहीं आ पाए। मिशन खुशियों को लेकर कोई ऐप जारी करने वाले थे वो अभी जो मिशन खुशियों का ऐप है उसको लॉन्च करने के बाद में किया जाएगा, बट बाकी जो प्रोग्राम है, जो मिशन खुशियों के जो लाभार्थी आए हुए हैं उनको बेनिफिट दिया जाएगा, उनके हिसाब से जो लाभार्थियों का ड्यू है वो किया जा रहा है। आज जो है मिशन खुशियों का ऐप माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया जा रहा था, लेकिन मौसम की खराबी के कारण उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पर जाने की परमिशन नहीं मिल पाई ATC से, और वो वापस देहरादून को जाना पड़ गया। लेकिन धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे उधम सिंह नगर ADM नीरज खेरवाल जी को, पूरी टीम कानपाल जी जो ADM है, सारे SDM, सारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा कार्यकर्ता, इन्होंने इस मिशन खुशियों के प्रोग्राम को उठाकर दिन रात मेहनत करके उन लोगों को चिन्हित किया जो केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं से वंचित रह गए, जिसके कारण उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ दिया गया है, चाहे वो राशन कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड हो, जिम्मेदारी के बच्चे हो, चाहे पंजाब पेंशन हो, महिला पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, हर आदमी को चिन्हित किया गया है। 6 महीनों में 174,000 आदमी की सितारगंज ब्लॉक को ऐसे करने वाले 174,000 लोगों को और 141,448 और ये बहुत अच्छी पहल है हमारे DM सुरेश खेरवाल जी की, हमारे सरकार कि उन्होंने गरीबों को जो स्वास्थ्य योजना से, जो हमारी सरकारों की योजना से वंचित रह गए, आज सरकार का भी फायदा, सरकार की योजनाओं का भी फायदा मिलेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भूमिजरी के पट्टे जिनको नहीं मिल पा रहे थे 2 साल से, उनको अपनी